हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बिहार पुलिस की तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर के अपकमिंग रिक्रूटमेंट की डिटेल्स बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी इस पोस्ट को लेकर इंटरेस्टेड हो, इंतजार कर रहे थे कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर का कब वो आपको रिक्रूटमेंट आएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि ये फॉर्म कब तक आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की रिक्रूटमेंट आई है, जिसके अंदर ओवरऑल आपका टोटल पोस्ट 2800 रहने वाला है। फॉर्म की फी की बात की जाए तो जनरल बीसी, ईबीसी एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट से 450 रुपीज ली जाएगी, एससी एसटी से लिया जाएगा 112 रुपीज। एज लिमिट अगर देखी जाए तो मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स रहने वाला है। एज जो आपका कैलकुलेट होगा एज ऑन 1 जनवरी 2024। रिलैक्सेशन मिलता है बीसी और ईबीसी को 2 इयर्स का, एससी एसटी को मिल जाएगा 5 इयर्स का। क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो कि ये डिसाइड करती है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इलिजिबल हो कि नहीं हो। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिंपली, अगर आपने 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर क्या परसेंटेज था आपका 12th में, आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा रिटेन एग्जाम, जो कि ऑफलाइन होता है पेन एंड पेपर मोड में। 5 गुना रिजल्ट आपको आएगा फिजिकल के लिए। उसके बाद होगा आपका फिजिकल, फिर ड्राइविंग टेस्ट, उसमें आपको 1 मिनट के अंदर तीनों गियर को चेंज करना होगा। फिर होगा सिंपली आपका मेडिकल, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है दे दी जाती है। तो ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, चलिए उस हम लोग सिलेक्शन की डिफरेंट स्टेजेस को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको जो एग्जाम होता है ना, उसका पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। 100 क्वेश्चंस के पेपर होंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स, विच मीन्स कि 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो कोई सा भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स, जीके के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए, करेंट अफेयर्स के रहेंगे 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल एग्जाम विल बी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम 2 आवर्स, नो निगेटिव मार्किंग। आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले स्टेज के लिए हम लोग फिजिकल क्राइटेरिया समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही क्राइटेरिया मैं डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले होगा आपका हाइट का मेजरमेंट। मेल कैंडिडेट्स जनरल और बीसी का मिनिमम 165 सेंटीमीटर, ईबीसी एंड एससी एसटी का मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट की मेजरमेंट, फीमेल्स का 155 सेंटीमीटर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। चेस्ट की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट होता है। जनरल बीसी ईबीसी का 81 to 86 सेंटीमीटर रहेगा, एससी एसटी के लिए 79 to 84, मतलब कि आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद पीईटी होती है, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपके शारीरिक क्षमता का जो है जांच किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं उसको। पहले होगा आपका रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, 1 किलोमीटर इन 7 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। हाई जंप होगा मेल्स के लिए 3 फीट 6 इंच का, फीमेल्स के लिए 2 फीट 6 इंच का। लॉन्ग जंप मेल का है 10 फीट का और फीमेल्स का है 7 फीट का। गोला फेंक का जो रहता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 पाउंड का गोला, उनको 16 फीट फेंकना होता है। फीमेल्स को 12 पाउंड का गोला 8 फीट आपको फेंकना होता है। सो आई होप कि फिजिकल क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सैलरी जो आपको स्टार्टिंग में मिलती है 21,700 रुपीज से स्टार्टिंग होती है। आफ्टर पर ईयर इंक्रीमेंट पर्क्स एंड अलाउंसेस 69,100 रुपीज आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। और रही बात कि अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार का फॉर्म निकला तो इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि ऑफलाइन पेपर है तो बिहार स्टेट के अंडर ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इसका कंडक्ट कराया जाएगा पेपर। तो आप कहीं भी से अप्लाई करोगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कहीं के भी कैंडिडेट हो, बिहार का फॉर्म भरोगे तो बिहार आके पेपर देना होगा। पोस्टिंग भी आपको बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताया आप समझ गए होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है कि आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना कब स्टार्ट होगा। तो आपका दिसंबर 2023 से लेके जनवरी 2024 के बीच में ना ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, तैयारी की स्पीड को बूस्ट करनी है, अच्छी खासी तैयारी रखोगे तभी जब फॉर्म आएगा उस टाइम आप अच्छा कर पाओगे। सो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई सा भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। इसका जो कुछ भी होता है ना सारे जॉब का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।